लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से दिया इस्तीफा। जी हाँ, आपको पता चली कि लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली कांग्रेस में असंतोष खुलकर सामने आ रहे। ताजा मामला, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। अरविंदर सिंह लवली ने अपने 4 पेज के इस्तीफे में पार्टी के दिल्ली प्रभारी दीपक बावरिया पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा, प्रभारी ने मुझे पंगू बना रखा है, वह मुझे पार्टी नहीं चलाने दे रहे, मेरी सलाह पर कोई नियुक्ति नहीं की जाती है। प्रदेश कांग्रेस की रजामंदी नहीं होने पर भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया गया। उन्होंने आगे कहा कि 3 सीटों के प्रत्याशियों को चुनने में भी प्रदेश इकाई की सहमति नहीं ली गई। उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिम दिल्ली से कन्हैया कुमार और उदित राज को स्थानीय उम्मीदवारों को दरकिनार कर टिकट दिया गया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरोध और उनकी भावनाओं की भी उपेक्षा की जा रही। वहीं आज लोकसभा चुनाव के ठीक बीच दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया है।